तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसन्नि गौरभक्तवृन्द इव हात्मने। उत्तम भक्तों वे हैं जो विचार आते ही उनके बोलने से पहले उनकी सेवा को पूरा कर देते हैं। भगवान से पहले गुरुदेव की पूजा करता है। बच्चे पढ़ने वाले हैं बिना पढ़ने वाले? हाँ वे रोज पढ़े, हम पढ़ते नहीं। जब हमारे नंद प्रभु जी आए थे देखो श्लोक भी पकड़े ना मुँह खोल नहीं सकते, इसलिए श्लोक की जरूरत क्या जरूरत है, जरूरत है अपनी मनमानी वाक्य का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए महाप्रभु जब राय रामानंद को जो प्रश्न किया बताओ जीवन जीवन में साध्य किया है, तो उन्होंने बंगला भाषा में बोले नहीं संस्कृत में बोलो हमारा वेद क्या कहता है, भागवत क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, तुम्हारी बातों का कोई नहीं। अगर रोज रोज एक श्लोक सुनूंगा ना बहुत कुछ हो जाएगा, शिक्षा ज्ञान से नहीं होता, अपना जीवन को उठाना चाहिए। इसलिए इसलिए उसमें तीन तरह का वैष्णव का लक्षण है और तीन तरह का भी है जिसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यदि कनिष्ठ मध्यम उत्तम मध्यम कहते हैं वो कनिष्ठ वह है सबसे छोटे जो भक्ति पे करते हैं लेकिन कामा हो सकते जिसका भक्ति स्थिर है
कब तो इच्छा होगा हरिनाम करने का, भजन करने का, कभी माला जहाज ना लटक रहा है, उस दिन से माला काम पर बताए, इसलिए कभी तो तिलक लगा लेगा कभी लगाएगा, कभी तो गुरु मंत्र जप कर लेगा कभी जप करेगा, कभी जो लड़खड़ा नहीं है कभी डरता कभी नहीं, जो दामाद हो गए कभी ये सबसे छोटे, ये सबसे कनिष्ठ है, कहते मध्यम कौन है, अपना जो भजन है उसको पक्का याद रखे, इसलिए जो अच्छे जो ये होते हैं ना स्टूडेंट काफी लेकर रहे, इसलिए तो मुँह खोलता है कथा नहीं सुनते, देखो हम ठीक है फिर इनको पूछो हर बात करते देखिए हम ये ठीक करें, इसलिए जब हमारे बड़े गुरु जी थे ना गुरु हमारे जो बड़े गुरु जी थे जब वो कथा सुनाते थे हम लोग काफी लेकर बैठते, ये एक अच्छे स्टूडेंट का लक्ष्य है, अच्छे स्टूडेंट का लक्ष्य है हर चीज को जो नोट करता है, नोट करता है हर चीज को, इसलिए जगत का तो हम बहुत बड़े बड़े क्वालिफिकेशन मिला है लेकिन मरते समय ये सारी क्वालिफिकेशन गिर जाता है, जितने डिग्री एमए पीएचडी डॉक्टर सब डिग्री हमारी यही रह जाए, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं केशव का स्मित बोले ये देह जब छूट जाएगा तुम्हारे जितने डिग्री डिग्री साथ में कुछ भी जाने वाले हैं सब यही छोड़ कर जाना पड़ेगा, तो एक डिग्री जाएगी भक्ति का डिग्री और सारे डिग्री तुम्हारे ही रह जाएगी, कोई डिग्री कोई नहीं काम करने वाला, ठीक है ना, इसलिए इतना दिन होकर के साधारण प्रश्न का उत्तर निकलेगा क्या, एक तो ध्यान से सुनते नहीं है और कोई नोट नहीं करते, इसलिए कहते मध्यम अधिकारी कौन है, जब अपना जो भजन है उसको एकदम पक्का है, अपना भजन और राष्ट्र है, अपना भजन साधन रचना रोज रोज गीता पढ़ना भागवत पढ़ना अपना जो भक्ति को एकदम अच्छे तरह से कर लेते हैं लेकिन दूसरों को ठीक से समझा नहीं पाते लेकिन अपना भक्ति एकदम सही कर लेते हैं, कहते उत्तम कौन है, कहते अपना भक्ति को कर ही लेते हैं अच्छे तरह से लेकिन दूसरों को भी समझा बुझा करके दूसरों को भी भक्ति में अनुकरण करते भक्ति में उनको भी जो लगा ले कभी ये कौन है कभी ये उत्तम कभी ये उत्तम अपना भक्ति भी सही करके और दूसरों को भक्ति में जो लगा ले कभी ये उत्तम अधिकार ठीक है, इसलिए इसलिए अच्छे तरह से सुननी चाहिए मेरी कथा को, इसलिए जैसे प्रतिस्पर्धन को कथा सुनाएंगे हम जो थोड़ी बहुत सुना दें उसको नोट करनी चाहिए, फिर नोट करने का करके जैसे एक बच्चा पढ़ता है अपना कल जब स्कूल घर में जा करके अपना होमवर्क करता करता कि नहीं होमवर्क बात करता है ना, ऐसे भक्ति में कुछ करनी चाहिए और यही चीज ही हमारे साथ में रह रहा है ठीक है ना, हरे कृष्ण, इसलिए कल हम सुन रहे थे श्री सनातन गोस्वामी ने जो बृहद भागवत ग्रंथ को रचना की इसलिए उन्होंने रचना की देखा कलि युग में परमाणु बहुत था और कितने सारे पुराण कितने वेद कितने उपनिषद हैं कितने उपनिषद कितने सारे ग्रंथ हैं अभी जीव कितने सारे ग्रंथों को इतने काम हमारे में कितने सारे ग्रंथों को पढ़े गए से पढ़े गए से, दूसरी बात है कहीं ज्ञान की महिमा कहीं योग की कहीं कर्म की कहीं भोग की अलग अलग शास्त्र पढ़ोगे ना अलग 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 बात, अभी जीव को पता ही नहीं चलता जीवन में हम क्या करें और क्या नहीं करें ये पता ही नहीं चलता, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी इसलिए ये ग्रंथ रचना की एक तो अल्प समय में हमें सार वस्तु पता चलता है, खैर उम्र बहुत कम है कभी शरीर नहीं छोड़ सकते हैं और जो तीसरी चीज ये है शास्त्र का जो सार हमें जल्दी पता चले और जल्दी जल्दी वो रास्ता को हम पकड़ कर अपना जीवन का हम कल्याण करें, इसलिए उन्होंने भागवत रखने पर भी उन्होंने श्री बृहद भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना की, इसलिए कल हम सब के सब इसी विषय पर बहुत बहुत कुछ सुन रहे थे, इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत ग्रंथ को उन्होंने समाप्त विश्राम दे दिया तो उनकी माँ भी वही बैठ कर कथा सुन रहे थे, माँ का नाम क्या थी मेरे लाइक
थोड़ी सी बात बता दो एकदम संकट में, जो कम से कम मेरे को पता चल जाए वो क्या बताना चाह रहे हैं, फिर मैं जल्दी जल्दी वो काम करते हुए मेरा भी कल्याण हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। इसलिए वो तो सोच रहे थे जो थोड़ी सी समय बचा हुआ अभी प्रभु का थोड़ा स्मरण करें। लेकिन भैया ने प्रश्न कर, भैया कितने प्यारी होते हैं, भैया कितने प्यारी होती है, भैया के प्रश्न को सुनकर उसने श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ उसने खैर अपने संकट में ये ग्रंथ बनाया। इसलिए हमारे गुरु जी का ये प्रभाव प्यारा ग्रंथ था, कहीं भी देश विदेश में जाते थे गुरुदेव यही कथा सुनाए, यही कथा, क्योंकि वो थोड़ी समय में सारे शास्त्र का सार हमें उसने पता चल जाता है। इसलिए जब उन्होंने ये ग्रंथ को उन्होंने प्रारंभ किया, जब ये बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को वो प्रारंभ करते हैं, ये ग्रंथ को इन्होंने सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण को उन्होंने वंदना किया। कहते क्यों वंदना की, बोले मुझे जो ये शास्त्र का जो सार हमें पता कैसे चला, इसलिए एक है सनातन शिक्षा। अपने नाम सुने होंगे महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा प्रदान की। उसी समय महाप्रभु थोड़ी सी वाक्य में सारे शास्त्र का निचोड़ उन्होंने बता दिया। इसलिए महाप्रभु की कृपा से ही ये ग्रंथ इनके हृदय में प्रकाशित हुआ है। इसलिए सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। नंदोर हरि की जय, परमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं महाप्रभु जगत में क्यों आए और जगत में क्या दिया है, महाप्रभु एक हैं और महाप्रभु कितने दयालु हुए। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को उसने उन्होंने गान किया है। तथा अगर महाप्रभु ने आकर के उन्होंने विशेष करके ब्रज भक्ति की महिमा उन्होंने जगत में स्थापन किया और ब्रज भक्ति में भी जिसमें गोपियों की महिमा और उसमें श्री राधा रानी की जो महिमा है, इसलिए कहते हैं अगर महाप्रभु ने जानते फिर राधा रानी कौन है, ये है क्या चीज हमें पता नहीं चलता। अरे ब्रज भक्ति किसको कहते हैं पता हमें नहीं चलता। इसलिए महाप्रभु का रूप में आकर के विशेष करके भक्तों की महिमा को उन्होंने जगत में दिखाया। फिर महाप्रभु का चरणों को वंदना करते थे, फिर उन्होंने मथुरा धाम की महिमा करते थे। यदि जो मथुरा नहीं कभी मथुरा, ये मथुरा, मथुरा मतलब मीठा है, ये मथुरा देवी, इसलिए मथुरा धाम की इतने क्यों महिमा, बोले भगवान अजन्मा होते हुए भी भगवान ने जहाँ जन्म देते प्रभु वहीं पर उन्होंने प्रकट हुए हैं। इसलिए आप लोग मथुरा गए हो, पर मथुरा गए, वहां पर मथुरा देवी को दर्शन की है, मथुरा देवी को दर्शन की नहीं किए ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं ना, उसको बीच में श्री मथुरा देवी आ रही है, ये भगवान की एक तरह का एक पकड़ा, इसलिए ये मथुरा देवी है। इसलिए कहते हैं मथुरा में एक विशेष, एक तो कृष्ण जन्म हुए और दूसरा क्या मथुरा में कहते भगवान सात पूरी है, कितना पूरी है, सात पूरी, सारा दुनिया जानते पूरी एक जो खाते हैं पूरी, अरे सब दुनिया को पता पूरी एक ही है, पूरी खाते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पता है सात पूरी है। बोलो सात पूरी क्या है, बोले अयोध्या पूरी, मथुरा पूरी, काशी पूरी, खबर दिया और द्वारावती, कहते हैं सात पूरी भगवान की निवास स्थली, भगवान ये सात पुरी में भगवान निवास करते हैं। लेकिन सात पुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी कौन सा है, श्री कौन सा पुरी, इसमें सबसे श्रेष्ठ पुरी पता है श्री मथुरा पुरी, क्योंकि भगवान की यहाँ जन्म हुई है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जब श्री मथुरा पुरी आती है ना, इसलिए और जितने सारे पुरी है, बल्कि काशी मथुरा पुरी आ रही है,
उनको फिर मैं छठी को धारण कर लो। हे अयोध्या मथुरा पुरी आ रही है, उनके लिए चामर तुम लेकर उनको चामर भेजने कर। हे कांस हे काशी मथुरा पुरी आ रही है, उनकी पादुका लेकर खड़े हो गए हैं। इसलिए माया मथुरा आ रही है, इसमें थुकती है ना, थुकते हैं वो पीक सोने की पीक तक लेकर तैयार हो गया। मतलब कि उसकी मथुरा पुरी आती है और जितने सारे पूरी है ना उनको स्वागत करते, कोई छत्र कोई चामर कोई व्यंजन कोई पादुका लेकर के मथुरा को सबके सब आह्वान करते, उनको स्वागत करते हैं। और मथुरापुरी में एक विशेष बात जानते हो क्या बात है, जैसे धाम से बाहर धाम के बाहर अगर आप कोई पाप करोगे हैं, लेकिन अगर आप धाम में आओगे ना तो पाप नष्ट हो जाएगा। हमारे की दो पंडित कहाँ थे, कौन कौन हमारे सेवा कर रहे होंगे अंदर, सेवा इसलिए कहते उसमें जैसे धाम को बाहर में अगर हम कोई पाप करते हैं, अगर आप धाम में जाओ ना क्या होगा, धाम में जाने पर आपके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, धाम जाने पर सारे पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई धाम में रहकर कोई पाप करेगा तो फिर क्या होगा, वो फिर वज्र लेकर हो जाते हैं, वज्र लग जाते हो वो ऐसे वो पाप इतने जोर जबरदस्ती पाप हो जाता है, फिर ये पाप से निकलना बड़ा कठिन। इसलिए धाम में कभी जाकर पाप नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जितने सारे धाम में केवल एक ही धाम ही है, एक ही धाम, कौन सा धाम, केवल कहते श्री मथुरा धाम। हम लोग क्या क्या रोटी बना रहे, क्या कर रोटी बना रहे, क्या करते कथा सुन लो, कथा के बाद कर लें, इसलिए कथा से पहले ना सारे काम कथा से पहले कर लेते। इसलिए बोले लेकिन मथुरा में मथुरा में अगर कोई केवल सात धाम में एकदम वज्र लेकर हो जाते, केवल एक ही धाम मथुरा है, अगर वहां पर अगर कोई हमारे अपराध हो जाए पाप हो जाए, लेकिन अगर मथुरा में वास कर लो, मथुरा देवी की परिक्रमा कर लो, मथुरा देवी से आशीर्वाद कर मांग लो, हे मथुरा देवी हमें अपराध हो गया आप मेरे अपराध को माफ कर दो, केवल मथुरा ही ऐसे एक धाम है वहां पर सारे पाप नष्ट हो जाए। लेकिन और कोई धाम में माफ नहीं करते, माफ के विशेष ये मथुरा की ये विशेष महत्व श्री मथुरा धाम की। अगर किसी तरह से मथुरा धाम में तुम्हारी संबंध जुड़ जाए, नहीं तो मथुरा में तुम्हारी शादी हो गई, नहीं तो आपकी जो उपनयन संस्कार जन्म संस्कार मथुरा में हो गया, नहीं तो अंतिम समय में तुम्हारी शरीर को लेकर के अगर वहीं पर दाह संस्कार कर दिया है, इसलिए अगर तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, कहते अगर किसी तरह से मथुरा में तुम्हारी थोड़ी सी टच हो जाए संबंध बच जाए तो बाप तुम्हारे सारे अपराध खत्म, सारे अपराध खत्म। इसलिए हमारे से बड़े गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने सारा जीवन उन्होंने मथुरा किया और बड़ी कष्ट पूर्वक उन्होंने अपना साधन भजन गुरु जी किया, बड़ी कष्ट से गुरुदेव साधन भजन गुरुदेव वहीं पर किया है। इसलिए यहाँ पर श्री मथुरा देवी के चरण में प्रणाम करते हैं, मथुरा देवी हमारे सारे अपराध माफ कर दो, जीवन में जितने पाप और अपराध हमने जितने किया बोले उसको बाद में किसको प्रणाम करते हैं, बोले श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं, बोले जय जय वृंदावन मेतन पुरार। जब मथुरा को प्रणाम करते हैं एक बार जय करते हैं, लेकिन जब श्री वृंदावन धाम को वंदना करते हैं ना वो एक बार जय नहीं कहते, जय ही जय, उन्होंने दो बार जय जय देते हैं। बोले दो बार क्यों जय जय देते, कारण है वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है, इसलिए कहते हैं ना वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई डाल डाल हर पात पे राधे राधे होई, इसलिए वहां के सारे लता पता वृक्ष सब के सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए आप वृंदावन में गए हो, हाँ जी गए,
सब के सब, जिसने देखना वहाँ तो कृष्ण का था, लेकिन किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं, राधे राधे क्या बोलते, राधे राधे और राधे राधे, इसलिए वहाँ पर सबसे राधा रानी का सबके सब नाम लेते थे, क्योंकि जो वृंदावन धाम तथा राधा रानी की हृदय में कृष्ण सेवा के लिए किए अपना राधा रानी अपना हृदय को उन्होंने पीछा करके रखी, इसलिए वृंदावन धाम को उन्होंने दो दो बार ये वृंदावन धाम को जय करते हैं, इसलिए कृष्ण गैया चराए तो कहाँ पर चराए गए वृंदावन, इसलिए कृष्ण जब वृंदावन में गैया चराते थे, जब कृष्ण चलते थे, जब छोटे थे गोकुल में थे, जब बड़े किए वृंदावन में आए, बड़े हो गए तो उनका चरण भी बड़ी बड़ी हो, इसलिए कृष्ण जब चलते थे, बता रहे थे ना कृष्ण का चरण में पुण्य से चिन्ह है, जब चलते थे कि पृथ्वी के ऊपर में कृष्ण का चरण जो चिन्ह है स्पष्ट रूप में बड़ा बड़ा दिखता था, और ये पृथ्वी वृंदावन था, कृष्ण को चरणों को हृदय में धारण करते हुए इतने प्रसन्न होते थे, यदि ये घास नहीं जैसे उनको शरीर में जैसे रॉकेट खड़े हो गए कृष्ण का चरण पा करके, बल्कि जो झरना बल झरना में ही कृष्ण प्रेम से आंखों से आंसू बह रहे, उनकी आंसू बह रहे थे, इसलिए श्री वृंदावन धाम की हमने दो दो बार वृंदावन धाम को जय जयकार करते हैं, और जो वृंदावन धाम है वो वहाँ पर श्री शंकर की पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती ये वृंदावन धाम साधारण नहीं है, यदि वहाँ पर जितने वृक्ष नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सबके सब श्री वृक्ष रूप में जन्म ग्रहण किए हैं, यदि वृंदावन में जो जब वहाँ पर जो पशुपति श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वहाँ के जो गुलम लता पशुपति भी साधारण नहीं, ये सबके सब कृष्ण की सेवा करते हैं, पशुपति रूप में कृष्ण सेवा करते हैं ये सबके सब, इसलिए गुरु जी एक समय कह रहे थे एक दिन राधा रानी बड़ी जोर जबरदस्त मान और श्याम सुंदर मनात मनात किसी तरह से मना नहीं पाए, जब मना नहीं पाए राधा रानी को कृष्ण तो दुखी हो गए और राधा रानी पूज्य छोड़कर राधा रानी जा रही, कृष्ण बड़े दुखी हो गए, जब कृष्ण राधा रानी पूज्य से केवल बाहर निकली वहां पर एक जहरीले सर्प, हाँ काले जहरीले सर्प सारे ऐसे करके उठा लिए, और राधा रानी उस सांप को देख करके ना उनका जो मान थी सब मान और उनने भागते हुए आई और कृष्ण का गोद में ले, तब गुरुदेव कहते थे जो काम श्री कृष्ण नहीं कर पाए वो कौन कर लिया, कैसे वहां के सांप वो काम भी कर दिया, इसलिए गुरुदेव कहते थे वृंदावन का सांप भी साधारण नहीं है, इसलिए कहते वहां के जितने वृंदावन धाम में वहाँ जितने सरोवर है कहते सरोवर में सरोवर नहीं, कहते मानसी गंगा क्या है कृष्ण अपना मन से ही गंगा को प्रकट किया, बोले श्री मान सरोवर हम लोग गए हो मान, हाँ जी मान सरोवर क्या है, बोले राधा रानी कृष्ण विरह में रो रो करके अपना आंखों से जो सरोवर बना गया, आंखों का आंसुओं से ये सरोवर अपना हुआ, इसलिए वो सरोवर कोई साधारण नहीं, राधा को तो श्याम को कर दिया है, हैं राधा को तो स्वयं राधा रानी और कृष्ण कुंड स्वयं कृष्ण कृष्ण है, पृथ्वी का जितने नदी ये सब राधा कुंड श्याम कुंड में सारे नदी, बोले प्रेम सरोवर क्या है, बोले राधा कृष्ण जब प्रेम में द्रवीभूत होकर के जब पानी रूप धारण की करके श्री प्रेम सरोवर है, श्री ये प्रेम सरोवर, बोले वहां पर जितने पहाड़ क्या, बोले पहाड़ नहीं बरसाना गए हो, ये बरसाना नहीं ये स्वयं ब्रह्मा जी ये पर्वत धारण किए, बोले नंदीश्वर पर्वत कौन है, नंदलाल ये शंकर की, बोले ये गिरिराज गोवर्धन कौन है, साक्षात विष्णु साक्षात कृष्ण ही ये श्री गिरिराज पर्वत प्रकट होंगे, बरसाना में वहाँ पर सखीगिरी पर्वत है, सखीगिरी पर्वत मतलब है वहाँ पर जितने पर्वत है ना, कोई ललिता कोई विशाखा कोई चंपकलता कोई तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा ये सब के सब ये पर्वत रूप में, इसलिए वृंदावन में श्री पर्वत रूप में प्रकट होंगे, वो पर्वत साधारण पर्वत नहीं,
और वहाँ भी जो कुएं है ना वो भी साधारण है, जितने गुरु जी कथा सुनाते हैं। एक समय सारे तीर्थ भाई निकल के मीटिंग किया, मतलब मीटिंग किया तीर्थ में सबसे बड़े तीर्थ कौन है, जैसे बताया ना देश का राजा को बताया, हाँ राजा को बोले तीर्थ में सब तीर्थ बैठ कर मीटिंग की, बोले सबसे बड़ा तीर्थ इसलिए प्रयाग, क्योंकि प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों नदी है प्रयाग, इसलिए प्रयाग को सबसे राजा बना दिया। जब राजा बनते हैं उसको दर्शन करने जाना पड़ता है, दर्शन करना पड़ता है, लेकिन सबके सब तो जाते हैं प्रयाग को दर्शन करते, कर भी देते हैं, लेकिन श्री वृंदावन धाम कोई नहीं जाता। बोले नदी की बात छोड़ दो, वहाँ की तालाब की बात छोड़ दो, वहाँ की सरोवर की बात छोड़ दो, बोले वहाँ के कुआ तक भी दर्शन त्यास देने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन से तो यहाँ से कुए तक भी मेरे पास नहीं जाते, तो फिर किस चीज के राजा है? तो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले देखो राजा मैंने बनाया ना, बोले हाँ, बोले मैंने जो राजा बनाया ये दूसरे दूसरे तीर्थ का राजा बना दिया, लेकिन अपना घर का राजा नहीं बनाया। इसलिए बोले बोले ये जो वृंदावन है ये मेरे घर है, इसलिए कहते वहाँ के जो एक धूल है वृंदावन की जो धूल है उसमें कितने शक्ति कितने ऐसे प्रयाग को सृष्टि कर सकता है, इसलिए कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जा, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जामा, बोले केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, बोले गोविंद के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दास है, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम ले कर करेंगे क्या, जानकर लेंगे कि हम श्री वृंदावन वासी हैं। इसलिए बोले श्री वृंदावन धाम की जय। इसलिए ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं कि अपराधिक भूमि, दिव्य भूमि श्री वृंदावन का भगवान का अपना ये घर है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी एक एक करके श्री सबकी प्रणाम करते हैं। अभी हमारे श्री दर्शन कुछ कथा सुनाएंगे, पर इसको आगे क्या कथा सुनाएंगे कल सुनेंगे प्रभु जी आपको। जय। बस 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 खींचो निकल जाए कौन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदे श्री गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
ईश्वर परिपाद के दो शिष्य थे, उनके अप्रकट के समय एक का नाम था काशीश्वर ब्रह्मचारी या पंडित, दूसरे थे कि गोविंद। क्या नाम तो मना बोला? काशीश्वर पंडित या ब्रह्मचारी, और दूसरे गोविंद। गोविंद ये दोनों को ईश्वर परिपाद ने बताया, देखो मेरा अप्रकट के बाद तुम दोनों श्री कृष्ण चैतन्य की सेवा करना, श्री कृष्ण चैतन्य की सेवा करना। ईश्वर परिपाद है चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव। अभी काशीश्वर पंडित मनी मन सोचा, गुरुदेव जब अप्रकट हो गए, ईश्वर परिपाद अप्रकट हो गए, चले गए, तो काशीश्वर पंडित ने सोचा कि चलो जाएंगे तो गुरुदेव ने बोला जाके सेवा करना है, लेकिन थोड़ा परिक्रमा करने के बाद तीर्थ यात्रा करते करते तीर्थ दर्शन करके फिर चलूंगा। लेकिन गोविंद ईश्वर गुरु की आज्ञा जो ही मिला तभी उन्होंने निकला। कैसा? पूरे सीधे सीधे जगन्नाथपुरी में पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ बैठे थे। गोविंद ने प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु उनको उठाकर आलिंगन प्रदान किए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, गोविंद क्या समाचार? गोविंद ने बताया, हे महाप्रभु, गुरुदेव ने बताया आपकी सेवा करने के लिए, इसलिए आप मुझे अपना सेवा दे करके बाधित कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछा कि सार्वभौम, शास्त्र की आज्ञा है गुरुर किंकर हय मान्य अपना, जो गुरुदेव की सेवक होते हैं, गुरुदेव की जो सेवक होते हैं ये हमारे सम्माननीय पूजनीय, हमारे गुरुपाद पद्म कहते थे। गुरु निष्ठा किसको कहते? भक्ति राज्य में कुछ नहीं होने पर भी चलेगा, अलग अलग वस्तु, जैसा ध्यान नहीं आता आपको, कुछ बहुत कुछ माप है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु निष्ठा है व्याकोण। क्या व्याकोण है? रीढ़। जैसा मनुष्य के आदमी का, कोई आदमी का अगर व्याकोण नहीं है, मेरुदंड नहीं है, रीढ़ नहीं है, वो खड़े हो नहीं सकते, ऐसा भक्ति में खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनका व्याकोण रीढ़ क्या है? गुरु निष्ठा। तो गुरु निष्ठा किसको कहते हैं? गुरु निष्ठा मतलब केवल गुरुदेव को ही निष्ठा रूप में मानना, ये बात नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे, हमारे गुरुदेव को जो सम्मान करते हैं, गुरुदेव को जो प्रेम करते हैं, हम अगर उनको प्रेम किए तब हमारे सब लोग तो गुरुदेव को कोई अवज्ञा नहीं करेंगे, गुरु को निष्ठा करेंगे कि नहीं? गुरुदेव के प्रति सबका निष्ठा है। लेकिन अगर मेरा वो शत्रु हो सकते, लेकिन वो मेरा गुरुदेव को अच्छा पाते हैं, प्रेम करते हैं, उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारे गुरुदेव हमको प्रेम करते हैं, ये हमारे गुरुदेव को प्रेम करते हैं, तो उनके प्रति हमारे श्रद्धा भाव होनी चाहिए। ये है वास्तव गुरु निष्ठा। गुरुदेव कहते थे, अगर कोई कुत्ता भी गुरुदेव को प्रेम करता श्रद्धा, तो उनके प्रति हमारे श्रद्धा भावना होनी चाहिए, नहीं तो स्वार्थी बन जाएंगे। तो जो गुरुदेव के सेवक होते हैं, ये सेवक होते पूजनीय। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य को, सार्वभौम ये गुरुदेव शास्त्र की वचन है, गुरुदेव की सेवक सम्माननीय पूजनीय वरणीय वंदनीय, और गुरुदेव की आज्ञा अविचारणीय पालनीय। अभी गुरुदेव ने आदेश दिया ईश्वर प्रतिपाद ने कि उनको सेवक के रूप में रखना। अभी दो विरोधी बात हो गया, शास्त्र कहते गुरु के जो किंकर गुरु के सेवक पूजनीय, और गुरुदेव अभी हमारे गुरुदेव बोले कि क्या करना, उनको सेवक के रूप में ग्रहण करना। अगर मैं सेवक रूप में गुरु आज्ञा पालन करूं, शास्त्र आज्ञा की उल्लंघन, अगर शास्त्र आज्ञा पालन करूं, गुरुदेव की आज्ञा की उल्लंघन करूंगा क्या? जब बोले
चैतन्य महा सर्व भट्टाचार्य बोले हे महाप्रभु आप सर्व अंतर ज्ञानी, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ कि गुरु आज्ञा व्यभिचारणीय। जिस समय शास्त्र की बात और गुरुदेव की बात दोनों विरोधी है, शास्त्र वचन को उल्लंघन करके गुरु आज्ञा पालन करना चाहिए तो तब तुम्हारा मंगल हो। अगर ज्यादा तुम बुद्धि लगाया शास्त्र की बात को तुम समझ नहीं पाओगे, फंस जाओगे। अगर गुरु आज्ञा पालन कर लिया तो शास्त्र तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तो ये गुरु आज्ञा, तो बोले गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए, आप उनको सेवक के रूप में ग्रहण कर लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को व्यक्तिगत सेवक के रूप में ग्रहण किया। गोविंद शूद्र कुल उत्पन्न निरीक्षर, पढ़ाई ज्यादा नहीं किया, पढ़ाई किया ही नहीं, निरीक्षर सेवक, लेकिन फिर भी महाप्रभु उनको अपना सेवक के रूप में रख लिया। लेकिन जिन्होंने ब्राह्मण कुल उत्पन्न काशीश्वर पंडित ब्रह्मचारी और पंडित दोनों गुण होने पर भी उन्होंने जब अपना बुद्धि जोड़ दिया गुरु आज्ञा में, ईश्वर पुरी पाद बोल के जाकर के चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, श्री कृष्ण चैतन्य की उन्होंने आया सेवा करने के लिए, लेकिन अपना बुद्धि को जोड़ दिया। क्या बुद्धि को जोड़ दिया कि जाकर के तीर्थ परिक्रमा करते हुए आया, तो महाप्रभु ने उनको भी सेवक के रूप में ग्रहण किया, लेकिन कैसा सेवा दिए, बाहर सेवा दिए, लेकिन उनको अपना व्यक्तिगत सेवा दी गोविंद। गोविंद पंडित नहीं, निरीक्षर शूद्र कुल से उत्पन्न हुए, लेकिन ये काशीश्वर पंडित पंडित और ब्राह्मण कुल उत्पन्न होने पर भी उनको दिए बाहर की सेवा। बोले देखो तुम बलशाली हो, कभी सर्वसाधारण में पब्लिक में जो नृत्य कीर्तन करता हूँ तो कभी कभी मेरा स्त्रियंग में बाधा पहुंच जाता है, लोग आ जाते हैं बाहर के लोग, पता नहीं चलता, तो इसलिए आप मेरा स्त्रियंग को सुरक्षा करना, बस वही सेवा। देखो दोनों ईश्वर परिपाद के सेवक, दोनों को समान आदेश मिला और दोनों को समान व्यक्ति की सेवा करने के लिए कहा गया, लेकिन एक ने अपना बुद्धि लगाया नहीं, सीधा गुरु आज्ञा पालन किया, और दूसरे ने क्या किया, अपना बुद्धि लगाया, तो उन्होंने व्यक्तिगत सेवा से वंचित हो गए और उन्होंने लाभ उठाया। उन्होंने पंडित और ब्राह्मण कुल उत्पन्न होने पर भी लाभ उठा नहीं पाए, और उन्होंने निरीक्षर शूद्र होने पर भी उन्होंने लाभ उठाया, है ना। तो इसलिए और दो बात है, क्या है ये क्यों हुआ, इसके कारण हुआ दोनों में सेवन मुख्य वृत्ति की तारतम्यता है। कैसा सेवन मुख्य वृत्ति गोविंद का था, बुद्धि तो कम था, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं था, लेकिन सेवा करने के लिए वृत्ति था, तो इसलिए सेवा की। कैसा, एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बड़े सुंदर कीर्तन करते करते नृत्य कीर्तन से आए, प्रसाद पा करके सो गए, गंभीरा गए ना जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे 18 साल, तो उसी जगह पर सो गए। तो गोविंद ने प्रसाद पाने से पहले महाप्रभु का पद संवाहन किया, लेकिन दूसरा तरफ जाएंगे पद संवाहन करने के लिए, उन्होंने बोला महाप्रभु आप थोड़ा पैर को उठा दीजिए, हम दूसरा उस तरफ जाकर के आपके दूसरा पैर का संवाहन करूंगा। महाप्रभु बोले गोविंद आज मेरा शरीर में बहुत दर्द, बहुत कीर्तन किया नृत्य किया, शरीर हिलाना हमारे लिए मुश्किल है, मैं उसी तरफ जाना मुश्किल है, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, कैसे जाओ क्या करो, मैं तो अभी पैर हटा नहीं पाऊंगा। गोविंद क्या किए, अपना उत्तरी को निकाले, महाप्रभु के चरण के ऊपर दिए, लंघन करके चले गए और पद संवाहन किए, ऐसे ही बैठे रहे। महाप्रभु की नींद खुली सुबह, देखा गोविंद बैठे, बोले गोविंद देखा प्रसाद पड़ा है, प्रसाद तुमने पाया नहीं, तब से इधर बैठे हो, हाँ बैठा, क्यों नहीं गया, तो महाप्रभु आप तो सोए हैं, जाऊंगा कैसे। बोले कैसे, तुम तो आ गया, आया कैसे, ना प्रभु उत्तर ही डाल के आ गया,
ऐसे ही चला जाता ना, प्रभु जी आया था आपकी सेवा के लिए, इसलिए उत्तरी डाल के आना, उल्लंघन करने पर भी चाहे मुझे नरक जाना पड़े, सेव्य का सेवा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे जाना ठीक मुझे नहीं लगा, क्योंकि आपको उल्लंघन करना, क्योंकि खाना मेरे लिए, प्रसाद मेरे लिए मैं पाऊंगा, ये चीज के आपको उल्लंघन करना अच्छी नहीं माना, इसलिए मैं गया नहीं। महाप्रभु ने गोविंद तुमने जीत गया, मेरा दिल को तुमने जीत गया, क्यों? क्योंकि सेवानुखी वृत्ति उनमें है, इसलिए हरिनाम भगवान की दर्शन, वैष्णव की सेवा, मठ की सेवा, मठ में कभी इसको नहीं सोचना कि गोशाला का पत्थर खंड है, हर समय सोचना कि चिन्मय वस्तु है गुरुदेव वैष्णव ठाकुर जी, इसी जगह पर वास करते हैं। हमको इधर क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए प्रणाम्य है, इसलिए हम लोग चप्पल लेके भी नहीं आते, जब घुसते प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? मंदिर मार्ग कहते सभी मन कृष्ण पदार बिंदो रवचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरो मंदिर करो हरे मंदिर मार्जना दिशु श्रुति चकार अच्युत सकथोदय। मुकुंदलिंगालय दर्शने दिशो, आंख पवित्र होगा, आंख को किसी सेवा में लगाना, भगवान के दर्शन बोले नहीं, मुकुंदलिंगालय, मुकुंदलिंग माने लिंग मतलब शरीर, भगवान का जो स्वरूप विग्रह का आलय, आलय मतलब जहां रहते, यानी मंदिर, आंख को पवित्र करना है तो मंदिर को दर्शन कर लो, इसलिए भगवान का मंदिर बड़ा होती है, बिल्डिंग जितना मार्केट होती है उससे बड़ा होती है, इसलिए यहाँ पर जब भी मंदिर बनेगा तो सबका बिल्डिंग से ऊंचा बनना पड़ेगा। क्या चाय देने से हो जाएगा? बना हो जाएगा, गुर्दे बनवा दे, आप सब लोग इच्छा करते हैं ना मंदिर बनाने, आपने कह दिया तो हो जाएगा। नहीं, इसलिए क्योंकि ऊंचा बनाने से चारों तरफ से अगर मंदिर में आ नहीं पाया तो वहां से दर्शन कर लेंगे। जगन्नाथपुरी में के भक्त थे जिनका नाम था दासिया बाउरी, बाउरी मतलब एक लोयर कास्ट होती, उसी कुल में उन्होंने पैदा हुआ था, लेकिन भक्ति जगन्नाथ प्रति बहुत ज्यादा, वो तो मंदिर के अंदर जा नहीं पाएंगे, अभी क्या करेंगे, आम लाए अपना बाड़ी से, जो अपना आंगन से खेती से, उन्होंने एक एक करके बढ़ाया, तो नील चक्र है ना जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से, वहां से ला करके वहां से हाथ आया, पूरा एक एक करके ले गए, ठाकुर जी ले गए स्वयं, वो तो मंदिर जा नहीं पाए, प्रकट हो गए मंदिर में, इसलिए कभी कभी मंदिर आ नहीं पाते, उसी दिशा को प्रणाम कर लो भाई, जिस दिन सुबह जिनका निष्ठा है, इसका मतलब नहीं जाने के लिए टाइम है, चलो प्रभु जी तो बोले थोड़ा ऐसा नहीं करना कभी, हाँ ये चीटिंग बाती है। एक बार भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने, वो प्रभुपाद के शिष्य थे, गौड़ी नदिया प्रकाश दैनिक निकल रहा था, ये नदिया प्रकाश का एडिटर थे, उन्होंने एक बार रात को हरिनाम करते 1,00,000 हरिनाम करना रोज प्रभुपाद की आदेश था, तो एक बार उनका शिष्य भी सो नहीं पाते, क्योंकि गुरु सोए नहीं शिष्य कैसे सोएंगे, सो नहीं पाते, उन्होंने पूछा गुरुदेव आप लोग नित्य मुक्त महात्मा, आप लोग को 1,00,000 नाम 2 बजे तक बैठ बैठे करना क्या जरूरत है? ध्यान देके सुना, गुरुदेव बोले भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने, मैं हरिनाम मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, तुम लोग के लिए मैं कर रहा हूं। शिष्य का उत्कंठा और बढ़ गया, गुरुदेव हमारे लिए आप हरिनाम कैसे करते हो? बोले देखो अगर मैं 1,00,000 आज हरिनाम करके नहीं करके सो गया, मैं रोज 1,00,000 करते हुए सोता हूँ, अगर आज एक दिन नहीं करके सो गया, तुम 99 डे को पूरा याद नहीं रखोगे, आज का दिन को ही याद रखोगे। गुरुदेव हमारे नहीं करते थे, बीच बीच में सो जाते थे, 1,00,000 नहीं होता था तो भी सो जाते थे,
आज का दिन उसी जगह पर तो थांगी दोगे, चेकिंग करोगे, इसलिए तुम्हारे लिए मैं हरिनाम करता हूँ। तेल टूटना नहीं चाहिए। इसलिए क्या बोल रहा था यहाँ पे जा रहे हैं? हाँ, मुकुंद लिंगा अड़ायदर समय दुसो दुसो। हाँ, इसका मतलब नहीं कि आप लोग भी चिटिंग नहीं करना कि भाई चलो ये तो मंदिर के तरफ प्रणाम कर लो तो हो जाएगा, दर्शन भी कर लो, बाहर जा रहे साइकिल में बाइक में आज हो गया प्रणाम ठाकुर जी ऐसा नहीं करना। हाँ, सम्मान तो अपराध हो जाएगा उल्टा, समय होते हुए अगर नहीं आ पाया उसको कहते वित्त साठ्य दोष। सबसे बड़ा क्राइम क्या पता है पारमार्थिक जगत में? पशु ही जीव हिंसा, और जीव हिंसा को क्या कहते हैं इसमें क्राइम कहते हैं ना। सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है? ऐसा अगर व्याख्या हो जाएगा ना काल से सब लोग आना बंद कर देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमारे प्रभुपाद कहते थे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे सबसे बड़ा क्राइम किसको खून करने बात नहीं है, ये तो आज उनको मार डाला ये मरेगा थोड़ी जीवात्मा तो दूसरा जगह शरीर मिल जाएगा। क्राइम वो है सबसे ज्यादा, और हम लोग खुद खुदकुशी करते हैं आलसी के कारण। क्या है? अपना शरीर में, अपना मन में, अपना धन में, अपना इंद्रिया में जितना ताकत है उसको पूरा पूरा भगवान की सेवा में नहीं लगाना ही सबसे बड़ा क्राइम। हम लोग लगाते हैं, इसलिए हर समय हम लोग अपने को दोषी मानना, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, मेरा शरीर समर्थ है ये सेवा करने के लिए, नहीं करता। एक बार एक महाराज जी एक मठ में एक घर में गए थे, उसकी नाम दूसरा कुछ था महाराज जी याद नहीं आ रहे, बड़े धनी लोग, और उनके घर में उन्होंने बड़ा अच्छा सेवा करते थे गौड़ीय मठ की। उनके घर में एक जाते थे उनके सेवक ब्रह्मचारी जाते थे, एक दिन महाराज उनके साथ चले गए उनके घर में, तो उन्होंने बोला ए नौकर को बोला पानी लाओ तो महाराज जी आए। तो महाराज जी छट करके उनको बोले क्या तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? वो तो दम हो गए, इतने बड़े लोग धनी लोग उनको कोई कुछ भी नहीं बोले थे, आज साधारण का भिक्षु भिखारी उन्होंने बोल दिया तुम्हारे हाथ टूट गया क्या, तो दम हो गए, लेकिन भय हो गया कि साधु के पास आत्मा बल होती है, चाहे पैसे की बल ना हो, जब बोले तो दम हो गए, वो गए हाथ कांपता हुआ आए महाराज जी को पानी दिए। वो जो गए पानी लाने के लिए वो पीछे ब्रह्मचारी बोलते महाराज तू धीरे बोली गए, अरे थोड़ा सा धीरे बोलना, ये ना बड़ा अच्छा डोनेशन देते हैं और बोलने से ना बंद करने से मुश्किल हो जाएगा। बोले चुप रहो तू, नहीं बोलना ज्यादा, मुझे बोलने दो। जब आए आने के बाद फिर बोले ये किसका फोटो है? बोले महाप्रभु का। इधर क्यों लगाया? बोले गुरुदेव ए महाराज थोड़ा सा ना उनको देखते देखते मुझे खुशी आती है इसलिए इधर लगाया, उनके लिए घर नहीं है ये तुम्हारे इंद्रिय का भोग्य वस्तु है क्या? तुमको एंजॉयमेंट करने के लिए महाप्रभु इधर लगा दिया। बोले तुम डरते हो? सुनो मैं तुम्हारा गुरु भाई, मैं तुम्हारा नित्य मंगल कांक्षी, मैं तुम्हारा नित्य मंगल। इसलिए प्रभुपाद जब वैष्णव लोग लेटर लिखते थे उसमें नीचे लिखते थे कि इटरनल वी विश, हम तुम्हारे नित्य मंगल कांक्षी, मैं तुम्हारा नित्य मंगल कांक्षी, मैं तुम्हारा